सो वेलकम टू द जे एडवांस प्रॉब्लम 10। तो यहाँ पर अपन को ये वैल्यूज दे रखी है, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, मतलब तो अपन को इसकी वैल्यू बतानी क्या आएगी। तो यहाँ पर अगर अपन इसको देखे तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे देखे तो NC0 2NCR इस टाइप का है अपने पास, NC1 2N-2CR। तो यहाँ पर पावर 2 से कम हो रही है तो कुछ एक्स स्क्वायर टाइप। तो यहाँ पर अगर अपन देखे तो ये अगर तुम देखोगे तो ये इसको तुम ऐसे लिख सकते हो NC0 1+X^2N (R) का कोफिशिएंट। यहाँ पर अगली टर्म चेक करोगे तो ये 1+X^2N-2 (X^R) का कोफिशिएंट। तो वैसे ही यहाँ पर अगर अगली टर्म चेक करोगे तो यहाँ पर 1+X^2N-4 (X^R) का कोफिशिएंट। और लास्ट में अगर तुम चेक करोगे तो -1 यहाँ पर तुम्हारे पास कितना आएगा लास्ट में, NCN आएगा और 1+X^2N-2N। तो बेसिकली अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये NC0 है, इसको अपन 1+X^2N लिख सकते हैं, NC1 1+X^2N-1। तो बेसिकली तुम्हें ये किस फॉर्म में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे ये इस फॉर्म में जाता हुआ नजर आ रहा है कि 1+X^2-1 जो एन होती है उसमें जो X^R का कोफिशियंट है वो अपन को पूछना है। यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट टर्म इसके अगर तुम लिखोगे तो NC0 1+X^2(n)-1)0 आएगा, जो कि अपने फर्स्ट टर्म है। तो इस क्वांटिटी में इसके एक्सपेंशन में जो X^R का कोफिशियंट है वो अपना जो ऊपर वाला जो अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो X^2+2X^n (X^R) का कोफिशियंट। और यहाँ पर अगर अपन इसको x को बाहर निकाल ले एक को, तो X^R को अपन ने यहाँ पे X^N को यहाँ पे बाहर निकाल ले तो X^R(n) (X^R)-n का अपन, तो यहाँ पे मैं X^N को बाहर निकाल लेता हूँ तो अंदर मुझे क्या चाहिए, X^R(r)-n का कोफिशियंट चाहिए किसमें, X+2(n) में मुझे X^R(r)-n का कोफिशियंट इसमें चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास दो केस बनेंगे क्योंकि X^n तो मैंने बाहर निकाल लिया, अगर r की वैल्यू लेस देन हुई तो यहाँ पर इससे कम तो कोई कोफिशियंट है ही नहीं तो समेशन की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए। अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन n हुई तो समेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे तुम चेक ही कर सकते हो कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे कितना चाहिए R-n, तो NC(r)-n चाहिए, तो उसके लिए X^R(r)-n आ जाएगा और 2N-r)-n आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा NC(r)-n और 2N-r। तो ये r ग्रेटर देन n के लिए ये उस समेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर अपन ऑप्शंस चेक करें तो एक बार मैं ऑप्शंस दिखा देता हूँ, तो ऑप्शन हो जाएगा r लेस देन n है तो 0 और ये हो जाएगा 2N, ये r है यहाँ पर, तो अपना बी ऑप्शन हो जाएगा, ये r है यहाँ पर 2N-r NCR-n for r greater than n। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो वो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में पूछना। नेक्स्ट वीडियो मिलता है।